पेशेंस परेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस टूडे इज ट्वेंटी क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक रेपिड जी के स्टडी क्वेश्चन के आंसर है मिस्टर सुजीत सरकार की किताब है क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो रिसेंटली करुपुर कलमकारी पेंटिंग को जी टैग मिला है दिस हेल्स फ्रॉम तमिलनाडु मुंबई में है हेडक्वार्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीपल बोधी ट्री एनलाइटनमेंट मिला था बुद्धा को सत्यमेव जयते उपनिषद है मुंडुका उपनिषद मिस्टर एलेक्जेंडर कनिंगम थे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सो दीज आर आंसर ऑफ येज क्वेश्चन आज के सवाल है कोरिया डांस मंजिरा डांस धमाल डांस ये ट्रेडिशनल फोक डांस है विच इंडियन स्टेट के नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज इन यूपी फॉर लोकसभा इलेक्शन आर ये हाईएस्ट है इंडिया में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज कितनी है लोकसभा की विच स्टेट फर्स्ट एडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959 विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भाषा के आधार पर हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन What is the minimum age required for governor of a state? So these are six questions for today. आज की vocabulary है germane मतलब सार्थक सार्थक relevant है pertinent है applicable है parsimony का मतलब होता है बचत करना कंजूसी extreme unwillingness to spend money or use resources glut है मतलब भरमार है excessively abundant supply है of something clasp

ये कुछ डेटा है सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन का ये एक और न्यूज है दिस न्यूज इज अबाउट माइग्रेशन माइग्रेशन इंटरनल माइग्रेशन विल गेट टू नो ये क्यों होता है इसकी जोग्राफी क्या है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है एटसेट्रा दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस यूरोप को ऑब्जेक्शन है आज वाल्मीकि जी की जयंती है पुराना मोबाइल सेल कर रहे हैं बेच रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का ये गाइडलाइंस है

रेड टेप को कम करना है ब्यूरोक्रेसी सेंट्रल ट्रेड यूनियन एयर इंडिया की सेल है इकोनॉमिक कोऑपरेशन देन डोमेस्टिक एयरफेयर सर्विसेज सेक्टर बढ़ रही है क्रिज़ल का डेटा ऑब्जर्वेशन है चांदनी चौक एंड कुशीनगर फॉरेन पॉलिसी का रीसेट और चिप का शॉर्टेज बना हुआ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एथिक्स में हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं ग्लोसरी देखते हैं जैसे ऑल्ट्रोजम डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बायस। दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी ये फ्रंट पेज का फर्स्ट न्यूज है उत्तराखंड रेन टोल टच इज फोर्टी सेवन नॉट एट ऑल गुड मोस्ट रिवर्स में अभी बाढ़ जैसी सिचुएशन बनी है कुमाऊ वर्स्ट हिट हुआ है एक्सेस टू बैटर्ड नैनीताल रिस्टोर हो गया है सी पानी इतना तेजी से फ्लो होता है यहाँ पे पहाड़ों पे और इसके कारण जो भी बीच में आता है वो सब पानी उसको अपने फोर्स के साथ बहा ले जाता है ब्रिज कोलेप्स हो गया है अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है दिस इज इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में कोलैप्स हुआ रेनफॉल जो है रेनफॉल है ये चेंज हो रहा है पैटर्न इनकमिंग इज मोर देन आउट गोइंग तो होता है फ्लडिंग फ्लडिंग हिमालयाज में जो क्लाइमेट चेंज है इसका जो नतीजा है कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज्यादा विजिबल दिख रहा है कुछ ही टाइम पहले हमने चामोली डिजास्टर देखा था नाउ दिस इज द उत्तराखंड रेन टोल ये वार्निंग है जो नेचर दे रही है कि हमें फॉलो करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उत्तराखंड मेनी पीपल येट टू गेट सेकेंड डोज से नॉट गुड वैक्सीनेशन के दो डोजेज दोनों के दोनों डोजेज जरूरी है ऐसा नहीं कि एक लगा लिया दूसरा नहीं लगा रहे दोनों डोज जरूरी है सी डेटा केवल थर्टी परसेंट ही है जिनको दोनों डोज मिला है ज्यादातर लोग सेकेंड डोज नहीं लगा रहे हैं तो दिस इज नॉट राइट गो गेट वैक्सीनेटेड देन दिस इज अगेन नॉट अ गुड न्यूज माइग्रेंट फ्लाइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर सी माइग्रेंट माइग्रेंट्स क्या होते हैं माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं दूसरी जगह क्यों जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है एजुकेशन के लिए हो सकता है वर्क के लिए टूरिज्म के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए एटसेट्रा माइग्रेंट्स माइग्रेंट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके वो बस गए दीज आर कॉल्ड माइग्रेंट्स माइग्रेंट्स में दो फैक्टर काम करते हैं एक होता है पुश फैक्टर दूसरा होता है पुल फैक्टर क्लास इलेवेंथ ज्योग्राफी पुश फैक्टर क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी पुश फैक्टर एंड पुल पुल फैक्टर पुश फैक्टर जो होता है ना वो सोर्स में होता है जैसे बिहार और यूपी से ज़्यादातर माइग्रेंट होते हैं बिहार यूपी वेस्ट बंगाल से तो बिकॉज यहाँ पर पुश फैक्टर है पुश फैक्टर बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ बिकॉज उनको इकोनॉमिक सोशल लाइफ के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे है तो पीपल आर फोर्स टू गो आउटसाइड तो यूपी वेस्ट बंगाल बिहार यहाँ से लोग जाएंगे दिल्ली जाएंगे नॉर्थ इंडिया जाएंगे इधर गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु सो दीज आर माइग्रेंट्स सेकेंड पुश फैक्टर तो था और फिर दूसरा होता है पुल फैक्टर जैसे दिल्ली दिल्ली सबको अपनी तरफ खींचता है बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी है बेटर लाइफ है तो ये हो गया पुश सोर्स से और पुल हो गया डेस्टिनेशन पे तो इधर से माइग्रेंट्स ऐसे मूव करेंगे दीज आर कॉल्ड माइग्रेंट बाकी सोशल फैक्टर्स भी होते हैं लाइक मैरिजेस एटसेट्रा के कारण माइग्रेशन हो रहा है लाइक like दैट तो एक तो होता है लाइक like इंटर स्टेट माइग्रेशन इंट्रा स्टेट माइग्रेशन सिमिलरली कंट्री के विद इन माइग्रेशन और कंट्री के बाहर भी माइग्रेशन हो सकता है इंडिया में जो ये केस हम देख रहे हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर वर्कर्स का मैन पावर का सीवियर शॉर्टेज होता है तो बहुत सारे लोग इधर बिहार से यूपी से वेस्ट बंगाल सेंट्रल इंडिया से जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर एज अ वर्कर माइग्रेंट वर्कर

नेशनल पॉलिसी क्यों जरूरी है बिकॉज़ कोविड-19 हुआ लॉकडाउन लग गया हमने देखा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वर फोर्सड टू वॉक डाउन टू देयर होम होमलैंड वाया दिस रोड पैदल ही वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने घर के लिए निकल पड़े तो ये बना माइग्रेंट क्राइसिस तो वो तो हुआ था कोविड-19 के कारण अब जैसे ये हो रहा है बिकॉज़ ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी पैनिक मोड द पॉइंट इज वी नीड टू हैव सर्टेन नेशनल पॉलिसी माइग्रेंट्स जो होते हैं ना माइग्रेंट से पॉजिटिव बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं जैसे ये माइग्रेंट्स जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं वॉट दे आर डूइंग ओवर देयर दे आर ट्राइंग टू बिल्ड बहुत सारी जो चीजें हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं होगी सो द पॉइंट इज वी नीड टू हैव दिस माइग्रेंट वर्कर की डिग्निटी माइग्रेंट वर्कर का सेफ्टी माइग्रेंट वर्कर्स का अपॉर्चुनिटीज एक नेशनल पॉलिसी होना जरूरी है जैसे कुछ कुछ टाइम पहले हमने महाराष्ट्र में देखा था या हरियाणा में देखा था सन ऑफ सॉइल थ्योरी आ जाती है सो so, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ये अक्सर डिसएडवांटेज में आ जाते हैं तो दिस थिंग वी नीड टू एंश्योर बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट right भी ये बोलता है कि इंडिया का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है एम्प्लॉयमेंट कर सकता है उसको किसी भी टाइप का स्टॉपेज नहीं होगा सो वी नीड टू एंश्योर दिस सो इस पूरे बैकड्रॉप में ट्राई टू तो आंसर राइट डाउन दिस क्वेश्चन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बहुत रेलिवेंस है और आने वाले टाइम पे इसका और रिलेवेंस बढ़ने वाला है कोविड नाइन्टीन के टाइम से हम बार बार माइग्रेंट क्राइसिस देख रहे हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन ये है यूरोपियन यूनियन फूड रिकॉल लिंक्ड टू जीएम राइस फ्रॉम इंडिया बट इंडिया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रो ही नहीं करता है एक्चुअली क्या हुआ शिपमेंट गया राइस का यूरोप में और यूरोप की कुछ कंट्रीज ने बताया कि ये जो शिपमेंट आया है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं लाइक दैट इंडिया पे ऑब्जेक्शन उठाया यूरोपियन यूनियन ने फूड रिकॉल किया बट अब इंडिया बोल रहा है हम तो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बनाते ही नहीं है सो दिस इज नॉट फ्रॉम अस इंडिया में अगर जीएम क्रॉप देखें तो है वो है बीटी कॉटन बीटी कॉटन कॉटन कपास एक बार बीटी ब्रिंजल लाने की भी बात थी बट वो सक्सेस नहीं हुआ तो ये है बीटी कॉटन इनको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों जैसे एक पेड़ है उसके पर्टिकुलर कुछ जीन्स होंगे वो जीन्स बताते हैं कि वो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होके पेड़ को नुकसान होता है तो हम क्यों ना उस पेड़ के जीन्स में ऐसे मॉडिफिकेशन करें कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए तो बस बन गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो व्हाट इज द जीएम क्रॉप क्रॉप विच हैज अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनादर स्पीशीज उसके जीन में मॉडिफिकेशन हुआ है जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो किसी दूसरी जगह से दूसरे किसी जीन से आया है ऑल्टरेशन हुआ है ऑल्टरेशन का परपज ये है कि उस क्रॉप में आ जाए डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन तो जीएम क्रॉप्स यूजुअली हम पेस्ट रेजिस्टेंट हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाने की कोशिश करते हैं बीटी कॉटन बेसिलस थ्रसिस तो जीएम क्रॉप्स में अभी हमारे यहाँ ब्रिंजल और मस्टर्ड के लिए एफर्ट्स थे बट अप्रूवल नहीं है कमर्शियली केवल बीटी कॉटन को अप्रूवल है फर्स्ट जीएम वैरायटी अप्रूव हुई थी बीटी कॉटन की जो पिंक बॉल वर्म की डिसीज होती थी कॉटन के ट्री में उसको सेफ करने के लिए ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया था तो दिस इज जीएम एम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इसमें भी अब ये आ जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या वर्थ है क्या इससे इकोनॉमिकली कमर्शियली फिजिबल होगा क्या इससे इकोसिस्टम डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल ये सारे इसमें एथिकल पैरामीटर्स भी आ जाते हैं तो इसलिए ये एक चैलेंज बना होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे कुछ टाइम पहले एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज का भी कॉन्सेप्ट आया था डिज़ाइनर बेबीज लाइक दैट तो वो एथिकली रॉन्ग है सो दिस इज़ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया अ प्राइमर तो इंडिया ने बोला राइस तो हमारे यहाँ जीएम है ही नहीं तो दिस इज नॉट अस देन ये नेक्स्ट पेज है यहां पर न्यूज है महाकाव्य रामायण के रचिये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देन दिस इज पेज नंबर थ्री ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है अक्सर मोबाइल हम सेल करते हैं मोबाइल एक्सचेंज करते हैं हमेशा वो वेरीफाइड चैनल के थ्रू ही होना चाहिए एक्चुअली क्या होता है हर मोबाइल फोन का एक यूनिक आईएमईआई नंबर होता है उस नंबर से यूनिकली उस मोबाइल फोन को ट्रेस किया जा सकता है मोबाइल नंबर तो है ही सिम कार्ड है ही साथ ही साथ जो मोबाइल फोन है वो भी ट्रेसेबल है उसको भी ट्रेस कर सकते हैं तो कई बार क्या होता है जैसे चोरी हो गया मोबाइल या गुम गया आपका आपने उसकी पुलिस कंप्लेन नहीं लिखाई तो अब वो चोरी हुआ मोबाइल अगर किसी गलत काम में यूज होता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी सो दैट इज वाई मिस यूज ऑफ लॉस्ट स्टोलन मोबाइल फोन्स के लिए यहाँ पे ये बात है सेकेंड हैंड मोबाइल फोन भी लेते हैं तो बिना आई एम ई आई वेरिफिकेशन के नहीं ले हो सकता है उसका जो फर्स्ट ऑनर है उसने कुछ मिस यूज किया था उस फोन का फोन आपने ले लिया तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आ जाएगी सो बी केयरफुल इसको आप सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के थ्रू एंश्योर करा सकते हो दिस आई एम ई आई नंबर को फोन के जो भी लॉस्ट फोन है उसकी कंप्लेन करो हर एक डिवाइस का एक यूनिक आई एम ई आई नंबर होता है इसको ट्रेस करो बैकलिस्ट करो द पॉइंट इज ये सब चीजें आपको अन टूवर्ड अगर कुछ रॉन्ग डूइंग्स होती है तो आपको सेफ गार्ड कर सकती है इट इज जरूरी कि मोबाइल फोन का वेरीफिकेशन आई एम ई आई नंबर इसका एक कोड होता है बताओ हैश कौन सा कोड लिखते हैं जिससे आईएमईआई नंबर तुरंत दिख जाता है मोबाइल फोन का आंसर दिस इज ट्रबल इन बांग्लादेश सी बांग्लादेश में अभी दुर्गो पूजो के टाइम पे जो वैंडलिज्म दिखा माइनॉरिटी पे जो अटैक हुआ दिस इज नॉट एट ऑल राइट इंडिया वॉइस कंसर्न ऑन अटैक्स इट शुड नॉट अपियर रिलीजियसली पार्टिसन इंडिया एंड बांग्लादेश के ट्रेडिशनली अच्छे रिलेशंस भी रहे तो द पॉइंट इज ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए देन द अदर क्वाड इंडिया मस्ट रिटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद ईरान एज इट सीक्स पार्टनरशिप विद यूएस इज़राइल यू ए ब्लॉक सी ये बात है मिडिल ईस्ट की मिडिल ईस्ट भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है मिडिल ईस्ट में एक ग्लोबल पावर है रीजनल पावर है सऊदी फिर इधर एक ईरान भी है फिर यहाँ एक इसराइल भी है जराइल सऊदी ईरान सऊदी और ईरान में टेंशन बने रहते हैं सऊदी और दिस इज़राइल में भी पहले टेंशन होते थे बट अब इसराइल और सऊदी ब्लॉक की क्लोज पार्टनरशिप हो रही है जैसे अब्राहम रिकॉर्ड हुआ तो इसराइल और यूएई के बीच में बहरीन एंड ऑल इनके बीच में टाइज हुए तो द पॉइंट इज कि सऊदी ब्लॉक अब क्लोजर टाइज आ रहा है इसराइल के साथ ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील होनी चाहिए जो बाइडन का This is statement दिया था जो ने Let us see. अगर इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी होती है तो इंडिया, का, इंडिया को बेनिफिट मिलेगा because हम oil supply के लिए इस रीजन पे dependent है कंट्रीज इन द ग्रुपिंग ये जो नया ग्रुप बना है ना क्वाड दिस नए ग्रुप में यूएस है इसराइल है यूएई है और इंडिया है ये चार लोग हैं तो ये क्वाड हो गया पहले वाला क्वाड था यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया दिस इज न्यू क्वाड तो ये जितने भी कंट्रीज है यूएस हुआ इसराइल हुआ यू हुआ इन सब के साथ हमारे अच्छे टाइज हैं कॉमन कंसर्न शेयर्ड इंटरेस्ट हैं ईस्ट एशिया में तो वैसे ही इधर वेस्ट एशिया में भी हमारे कंसर्नस हैं हमारे कॉमन इंटरेस्ट है इसराइल हमारा डिफेंस सप्लायर है यू एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे इंडियन वर्कर्स ब्लू कॉलर वर्कर्स वर्क करते हैं यहाँ पे सो द पॉइंट इज ये पूरा जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब इसराइल और यू पहले फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते थे बट अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो ये भी अच्छा हो गया कि इसराइल और यू के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ रही है कोऑपरेशन बढ़ रहा है तो इससे इंडिया का जो ईज है वर्क करना इजी हो जाएगा यहाँ सुन्नी गल्फ मोनार्की है प्राइमरली जैसे सऊदी हुआ यूएई हुआ यहाँ मोनार्की है और ये सुन्नी सेक्ट होता है ईरान जो होता है वो होता है शिया सेक्ट तो यहाँ सुन्नी गल्फ मोनार्की है इसराइल है और ईरान है ये तीन पिलर्स हैं इस पूरे दिस इस, इस पार्ट ऑफ एशिया के अब इन दोनों में टाइज है विच इज गुड फॉर इंडिया ईरान जो है ईरान के साथ भी अगर दिस न्यूक्लियर डील होगा यहाँ के नए प्रेसिडेंट भी आए हैं सी अगर ईरान में भी नॉर्मेलसी आएगी तो हमारा चाहबहार पोर्ट भी है यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी है इंडिया को बेनिफिट होगा ट्रेड एनर्जीटाइज फाइटिंग क्लाइमेट चेंज मैरीटाइम सिक्योरिटी इधर के पिलर्स हैं यूएसए इंडो पैसिफिक फोकस ज्यादा रखेगा बिकॉज यूएसए को फोकस करना है चाइना के लिए तो यूएसए का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस एरिया में यूएसए का विड्रॉवल हो रहा है पहले जितनी प्रेजेंस नहीं है बिकॉज यूएसए को अब गल्फ के ऑयल से भी इतना मतलब नहीं है यूएसए के पास अब सफिशेंट शेल गैस आ रही है आ रहे हैं तो यूएसए का इंटरेस्ट इस एरिया में कम हो रहा है इंडिया के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ इंडिया अपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस दिखा पाए ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होगी तो उससे भी नॉर्मेलसी आएगी सो दिस इज द्वाड तो आज की डेट में दो क्वाड है एक क्वाड है यूएसए जापैन दिस ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला और एक क्वाड है दिस यूएसए यूएई, इजराइल और दिस इंडिया वाला तो दिस इज इजराइल यूएई और ये जापान ऑस्ट्रेलिया दिस इज क्वाड। इन द क्रॉस हेयर सिविलियंस एंड कश्मीरी हारमोनी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको कंट्रोल करना जरूरी है किसी भी टाइप का टेररिज्म टॉलोरेट नहीं होगा सिक्योरिटी एंड जस्टिस भी यहाँ पे डिलीवर करना जरूरी है नो एक्सक्यूजे प्लीज इंडिया अ फुल कास्ट काउंट ये अगेन रेगुलर टॉक है जो पिछले कुछ दिनों में काफी देखा है हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का 2011 के सेंसस में एस भी हुआ बट इस एस का डेटा रिलीज ही नहीं किया सरकार ने क्यों क्योंकि ये जो डेटा था सरकार बोलती है रिलायबल नहीं है 2021 में फिर से डिमांड हो रही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का कास्ट सेंसस का सरकार अगेन ये बोल रही है कि सेंसस के साथ इसे क्लब करना डिफिकल्ट होगा डेटा इज रिक्वायर्ड बट रॉन्ग डेटा ज्यादा डैमेज कर सकता है सो so, अब यहाँ पे ये यह है कि एक्सक्यूज नहीं दे इंडिया को जरूरी है एक फुल कास्ट हेडकाउंट डेटा कराने का गेटिंग टू द हार्ट ऑफ कॉजलिटी सी। कॉजल रिलेशन क्या होता है कॉज कॉजल है दिस एक्शन रिएक्शन इकोनॉमी में साइंस में फिजिक्स में हम मॉडल्स बनाते हैं हम फील्ड स्टडी करते हैं एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं रैंडमाइज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे बहुत सारे वेरिएबल्स निकालते हैं उस वेरिएबल से हम लॉजिक बनाते हैं कि ये होगा तो ये होगा ऐसा हुआ है तो वैसा हुआ है सर्वे फील्ड डेटा इस सबका यूटिलिटी ये होता है कि इससे हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं अब ये जो सर्वे है ये जो डेटा है ये जो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं मैनी टाइम्स ये ऐसे डिफिकल्ट आंसर्स भी डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर्स देने में भी हेल्प करता है लाइक डज द एंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स रिड्यूज द एम्प्लॉयमेंट एंड लोवर द वेजेस ऑफ नेटिव वर्कर यूएसए में अक्सर ये होता है इमीग्रेंट्स मतलब एशिया से सपोज कोई यूएस चला गया तो वहाँ पे क्या वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा वहाँ की वेजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेटिव पे ये एक सवाल है मिनिमम वेजेस अगर ज्यादा होगी तो इससे क्या बिजनेस को हेल्प मिलेगा एम्प्लॉयमेंट कम होगा क्या स्कूलिंग से आपको क्या बेनिफिट मिलता है जैसे आप केवल ग्रेजुएट हो तो आपको अलग सैलरी रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अलग होगा कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रखा है तो आप अलग सैलरी ब्रैकेट में होगे तो एजुकेशन और स्कूल अर्निंग में क्या रिलेशन है बेसिक इनकम वर्क ऑफ वर्किंग फॉर अ लिविंग कितना होना चाहिए एक्सपेंडिचर मैथड क्या है तो ये सब चीज़ें होती है ना ये कहलाती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स यहाँ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी सब चीज़ों के लिए मिला है बिकॉज आपने इस हार्ट ऑफ कॉजालिटी रिलेटेड फाइंडिंग्स किया वर्क ऑफ थ्री नोबल लॉरेट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया गुड रिगरस एम्पेरिकल वर्क डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे हैं लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि इस दस साल में आप में इनकम में क्या पैटर्न आया एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या आया लाइक like दैट और उससे फिर लॉजिकल कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस बात पे स्टडी हुआ ऑर्थोडॉक्सी और जो फॉल्स एजम्शन होते हैं वो इससे दूर होते हैं दिस इज दैट वेरिएबल्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो होते हैं ये कई बार एक्यूरेट भी नहीं होते एम्पेरिकल डेटा होना भी जरूरी है डोर टू डोर सर्वे लाइक दैट गेटिंग टू द हार्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स ये बात है सोलर पावर का ये नाम याद रखना है अब इनमें ना बहुत डिटेल में सवाल नहीं आते हैं आप और ये इतना ज्यादा रिटेन करना भी डिफिकल्ट होगा वॉट यू शुड बी नोइंग इज कि 2021 के इकोनॉमिक्स के किस पर्सन को मिला किस एक थीम पे मिला बस इससे ज्यादा नहीं ध्यान रखना है सिमिलरली फिजिक्स सिमिलरली आपको लिटरेचर का पता होना चाहिए तो एक पन्ने में इसको बस कंसोलिडेट कर लीजिए नोबेल किस टॉपिक पे मिला किस पर्सन को मिला दैट्स ऑल्ड बहुत ज्यादा डेप्थ इज नॉट रिक्वायर्ड ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर सोलर पावर सी सोलर पावर जरूरी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है फॉसिल फ्यूल में हम कोल का स्टोरी देख ही रहे हैं शॉर्टेज है तो सोलर सेल्स जरूरी है सोलर सेल्स भी जैसे बायोफ्यूल्स पड़े थे ना फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऐसे सोलर सेल्स भी होते हैं तो तमिलनाडु का स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया है उनकी जो नई सोलर पॉलिसी है तो ये एम्पेसाइज कर रहे हैं सोलर पावर प्रोडक्शन में बट जो कॉमन पॉइंट है वो ये हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन सेल हुए ये क्या होते हैं दिस सेमी होते हैं दिज सोलर सेल्स तो ये क्या करते हैं सन की जो लाइट आ रही है उस लाइट से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अब पैरामीटर जो होता है वो होता है एफिशिएंसी का कि कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन था वो मोनोक्रिस्टलाइन लाइन पैनल था 24 फोर परसेंट मल्टी क्रिस्टनल लाइन पैनल का था अराउंड 20 परसेंट फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं सोलर पैनल जो बनाना होता है वो एक केमिकली एनवायरमेंट के लिए एक बहुत पॉलिटिंग प्रोसेस भी होती है तो इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हों सोलर पैनल में हम क्या नैनोटेक यूज कर सकते हैं ऐसे करके बहुत सारे इसमें सवाल हैं थर्ड जनरेशन आता है उसमें नैनो क्रिस्टल्स हम यूज कर रहे हैं डाई सेंसिटाइज्ड सोलर पैनल कर रहे हैं और अब जो नया इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है ग्राफीन क्वांटम डॉट फॉर सोलर पीवी आइडिया क्या है छोटा हो सोलर पैनल और हाईली एफिशिएंट हो 60 परसेंट सेवेंटी परसेंट तो ये गेम चेंजर हो सकता है गेम चेंजर हो सकता है इंडिया में वैसे ही सोलर अबेंडेंस है सोलर इंसोलेशन का सोलर पैनल अगर हमने एफिशिएंट और स्केलेबल और कॉमर्शियली वायबल बना लिए, ये क्वांटम डॉट्स नेक्स्ट जनरेशन के तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी काफी हद तक इंश्योर हो जाएगी तो एक एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल्स दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि जो रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी जनरेट हुआ इसको मेन लाइन में हम कैसे सिंक कराए सिंक कराए ग्रिड में कैसे कनेक्ट करें और वेदर फोरकास्टिंग भी हो पावर आउटपुट प्रिडिक्शन सिस्टम हो मॉनिटरिंग तो ऐसे अगर बहुत सारे स्मॉल रूफ टॉप सोलर पैनल्स हैं वो ग्रिड में भी कनेक्ट हो गए हैं तो ओवरऑल फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है हमारी एनर्जी चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है तो यह है ओवर लुक्ड एपिडेमिक ट्यूबर क्यूलॉसिस दो दिन दिन पहले ही पढ़ा है टीबी ये जो न्यूज होता है ना न्यूज का ब्यूटी तब समझ में आता है जब आप इसको पढ़ते हो एवरीडे मीन एवरीडे अगर आप एक दिन पढ़ा फिर तीसरे दिन पढ़ा फिर ऐसे पढ़ा ना तो ब्लॉक्स नजर आने लग जाते हैं ब्लॉक्स मेनी ऑफ यू आर न्यू सो आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर में रेगुलर रहो रेगुलरिटी रेगुलरिटी से क्या होता है बहुत सारे जो रैंडम होते हैं ना वो क्लिक आपस में कनेक्ट होने लग जाते हैं अगर हम स्टैंड अलोन देखें वैसे भी अपन एवरीडे वीडियो बनाते हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम एक ही में सारा कवर कर लें वीट वी लाइक टू ट्रेवल लाइक वेव इवेंशुअली हर चीज कवर होगी बट यू हैव टू बी रेगुलर रेगुलर और रेगुलैरिटी से स्टडीज में डिसिप्लिन आता है स्टडीज बेटर होती है सो so रेगुलैरिटी होना बहुत जरूरी है एवरी डे मीन एवरीडे ब्रेक्स मत करिए तो ये है ओवर लुक्ड एपिडेमिकुक्ड एपिडेमिक रिवाइज भी करिए जैसे आई शेयर पीडीएफ एवरीडे इसका कंसोलिडेशन आप वेबसाइट में जाके डाउनलोड सेक्शन से भी देख सकते हैं जब आप रिवाइज करेंगे विद इन ट्वेंटी फोर आवर तो वो कंसोलिडेट होगा ये जो पूरा करंट अफेयर्स होता है ना इसमें कंसोलिडेशन बहुत मायने रखता है कंसोलिडेशन वरना क्या होता है आगे पार्ट पीछे आपको रिवाइज भी करना होगा टाइम टू टाइम तो जैसे ये टीबी है कुछ ही दिन पहले बढ़ा था ट्यूबरक्यूलॉसिस सो टीबी भी क्या है ओवर लुग्ड नेगलेक्टेड एपिडेमिक है कैजुअलिटीज बहुत है टीबी से तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एज वेल टीबी देन एक्चुअली क्या हुआ है कोविड जब से आया ना तो सारा फोकस कोविड पे आ गया बाकी जो बीमारियां है ना वो बैकसीट ले ली है तो उसके कारण और प्रॉब्लम्स बढ़ गई है चाइनीज पेट्रोलिंग स्लाइटली अप इन ईस्ट अब ये ईस्ट में आ रहा है गलवान कहां पे था लद्दाख में ये है ईस्ट में यहां पर भी चाइना अपना प्रेजेंस अगेन फोर्स दिखाने लग गया है एल एस वी नीड टू काउंटर दिस और इसके लिए ये नाम याद रखना है आर्मी की सत्रह माउंटेन स्ट्राइक्स Strike call, code, 17 mountain strike. ये ये है है के लिए. Good. Strategy meet discusses Chinese, Chinese cyber attack. ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, Chinese cyber attacks. जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है ना ये डिजिटल वॉरफेयर है डिजिटल साइबर अटैक्स एंड ऑल कल हमने देखा था तिब्बतोलॉजी में भी हम इंडियन सोल्जर्स को वो ग्रूम कर रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं तिब्बतोलॉजी सो देट वी बेटर चाइना एनिमी नहीं बोलना चाहिए एनिमी जब कंफ्रंटेशन हो तब हमें चाइना के लिए वेल प्रिपेयर लैंग्वेज इंडिया रशिया फेस कॉमन थ्रेट फ्रॉम अफगानिस्तान दिस इज द प्रॉब्लम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग में यह कहा देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर ने बोला कट करो रेड टेप रेड टेप क्या होता है लाल फिता शाही फाइल पे फाइल पेपर पे पेपर और काम होता नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करो ऑफिशियल्स मस्ट वीड आउट ओल्ड फाइल्स फाइल्स को जल्दी क्लियर करो क्लियर करो पेंडिंग रेफरेंसेस और एक और चीज़ यहाँ पे दिया है कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस क्या नाम है डी ए आर पी जी ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन मिनिस्ट्री बहुत मायने रखती है सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन तो ये डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है और बात यही है कि रेड टेपिज्म को कम करें जो अननेसेसरी फाइल्स पे डिसीजन उलझ जाते हैं उनको जल्दी क्लियर करें दूसरा यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि जो रिडेंडेंट स्क्रैप मटेरियल है जैसे कई बार आप सरकारी ऑफिस जाओ जो चीज़ की जरूरत है नहीं वो भी वहाँ पे रखी हुई है रिडनडेंट टाइप्स और ऑप्सोलिट टाइप्स और क्लीनलीनेस नहीं है और जो वाइब्स आती है ना वो साफ सफाई वाली नहीं आती है तो ये जो वर्क है ना वर्क को भी अपग्रेड करना जरूरी है वर्क प्लेस को इससे भी क्या होगा पॉजिटिविटी आएगी नया एनर्जी आएगा दिस शुड वर्क तो ये भी एक मैसेज है क्लीनलीनेस एट वर्क प्लेसेस आप एक काम करो आपका आप रूम है ना रूम को आज अच्छे से क्लीन करना सारी किताबें जमाना अरेंज करना सारी चीजें क्लीन अप रीअरेंज क्लीनलीनेस करो अपने रूम को जब आप ये एक्टिविटी आज करोगे ना यू विल फील अ लॉट लॉट बेटर इट रियली वर्क्स। डू इट आज ये सब ट्राई करना अपने रूम को क्लीन करो क्लीन अप योर रूम क्लीन अप योर कंप्यूटर क्लीन अप योर दिस वर्क प्लेस डू इट यू विल फील लॉट बेटर ट्रल ट्रेड यूनियन आस्क प्राइम मिनिस्टर टू रोल बैक एयर इंडिया सेल इस पे ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं राजस्थान में डैप फर्टिलाइजर का शॉर्टेज है कल परसों ही हमने पढ़ा था डाई अमोनियम फॉस्फेट और एक और था एम तो ये जो था इसकी शॉर्टेज हो रही है और ये इविडेंटली नजर आ रहा है राजस्थान में एमओटी था म्यूरियाट ऑफ पोटाश पोटाश म्यूरिया ऑफ पोटाश सो so, डैप और एमओ की शॉर्टेज हो और ये विजिबल है राजस्थान में राजस्थान में रीजन क्या था कल परसों ही हमने देखा है एक तो इंटरनेशनल जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट करते हैं उसकी प्राइस बढ़ गई है सप्लाई साइड बॉटल नैक है तो डैप फर्टिलाइजर का शॉर्टेज है हाल ही में इंडिया ने इसमें सब्सिडी भी इंक्रीज किया है सब्सिडी इंक्रीज किया है देन इंडिया चाहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज है कि ये जो यूरिया है डैप है इससे फार्मर्स शिफ्ट करें टूवर्ड्स दिस एनपीट्रा दिस फर्टिलाइजर्स में और फर्टिलाइजर का यूजेज भी जुडिशियस होना चाहिए और उसके लिए होती है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम इंडिया इसराइल यू यूएस ने लॉन्च किया क्वाड फोरम जयशंकर साहब फर्स्ट मीटिंग दिस क्वाड फोरम देन अब देखिए ये कौन सी एक्सरसाइज है इनियल एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज होती है बाय एनुअल एक्सरसाइज दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप बताइए ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है ये फोकस है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में अब जैसे क्वाड नया आया है ना अब डे वन में इसमें बहुत ज्यादा हमें एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए इसलिए बिकॉज अभी इसमें बहुत चेंजेस आएंगे स्टेटमेंट बदलेंगे लेट दिस न्यूज गेट सेटल्ड देन इस पे फिर डेप्थ पे हम बात करेंगे फोकस अभी ये लिखा है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा ऐसे पहले जो क्वाड यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया वाला था उस पर भी स्टेटमेंट्स थे बाद में फिर वो स्टेटमेंट्स चेंज हुए अस सी इस पे और क्लैरिटी आने देते हैं पेट्रोल दो सौ रुपए लीटर देन दिस इज अबाउट नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है यू एस एंड वॉय फॉर अफगानिस्तान फ्लॉप शो दैन यूएस में अलाउ मैच ऑफ बूस्टर जैब्स मतलब दो अलग वैक्सीनेशन का मिक्स पैक चाहते हैं अफ्रीका टर्की भी अपनी फिर से राइज हुआ है एट टू नाइन परसेंट फ्रॉम सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एनपीए नब्बे दिन तक कुछ नहीं आ रहा है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेड बन जाता है मूडीज रेज बैंकिंग सिस्टम आउटलुक टू स्टेबल स्टेबल सर्विस का 240 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ है गुड सर्विस सेक्टर वैसे भी इंडिया का स्ट्रेंथ रहा है हमेशा से अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये डेबरी है जो लैंड स्लाइड से हुआ है तो जो डिजास्टर्स होता है ना डिजास्टर्स आते हैं तो उससे ह्यूमन लाइफ भी लॉस होती है इकोनॉमिक लाइफ भी लॉस होती है नॉर्मल सी जाती है तो डिजास्टर के शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ही साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं रीग्रोथ रीडेवलपमेंट इसमें बहुत टाइम एनर्जी और पैसा लग जाता है फिर इसीलिए जो माउंटेन वाले स्टेट्स है हमारे ये कभी भी फुल ग्रोथ पोटेंशियल अपना अचीव नहीं कर पाते कभी भी फुल ग्रोथ नहीं कर सकते जैसे तमिलनाडु जितना रैपिडली प्रोग्रेस कर सकता है उत्तराखंड नहीं कर पाता है बिकॉज जोग्राफिकली चैलेंजड है वो देन दिस इज अबाउट डोंट बाय मोबाइल्स ये है आउट एंड अबाउट चांदनी चौक और ये यहाँ पे फ्यूमिगेशन हो रहा है फ्यूमिगेशन देन दिस इज ये क्या है कुशीनगर कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है श्रीलंका बुद्धिस्ट कनेक्शन पुंछ में आर्मी टू गो फॉर फाइनल असोल्ट टू फ्लश आउट मिलिटेंट्स। देन दिस इज अबाउट केरला braces फॉर मोर रेन अलर्ट साउंडेड इन landslide prone areas। See? सी ये इंडियन एयरफोर्स का कंटेजेंट है टेकिंग पार्ट इन ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इजराइल फूड एट जम्मू रेलवे स्टेशन ऑन नॉट एट ऑल राइट देन ये है सिंगल गार्मेंट ऑफ डेस्टिनी फंडामेंटलिस्ट आरोनिकली रिक्नाइज साउथ एशिया कनेक्टेडनेस वॉयलेंस इज नॉट गुड फ्लड एंड फ्यूरी फ्लड एंड फ्यूरी डिवास्टेशन नेचुरल दिस

तो एटलीस्ट वन ईयर तक तो फुल थॉटल पड़ी है, है? जैसे कल हमने शेडो डिप्लोमेसी पढ़ा था कनेक्टेड मेन डिप्लोमेसी चल रही थी अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पिट गई शेडो डेमोक्रेसी शेडो डिप्लोमेसी भी चल रही है बैक चैनल बात चल रही है तालिबान से फॉरेन पॉलिसी रीसेट Pragmatism जरूरी है रीडिंग द दू फाइन प्रिंट अब जो यूरोपियन यूनियन है जैसे यूएस यूएस और का, और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का 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 ऑकस डील हुआ न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस को इमीडिएटली इंडिया की इंपॉर्टेंस सिग्निफाई हो गई इंपॉर्टेंस ज्यादा आने लग गई वाई बिकॉज फ्रांस भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो यूरोप को आज की डेट में यूनाइटेड किंगडम का ब्रेग्जिट भी हो गया है इंडिया और यूरोप में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है कन्वर्जेंस का वर्ल्ड किया ब्लॉक किया है कुछ भी नॉर्थ कोरिया टेस्ट सब लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सेज़ साउथ साउथ कोरिया अब नॉर्थ कोरिया की हैं ये दिस इज यू एक्सपेक्टेड टू ऑथराइज मिक्स एंड मैच कोरोना वायरस का आईएमएफ की रिपोर्ट है रिपोर्ट का नाम क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये दो बार आती है अप्रैल और अक्टूबर में और रेगुलर टॉक्स हैं इसमें भी कि ग्रोथ हो सकती है कंडीशंस अप्लाइड कोविड का वैक्सीनेशन कवरेज कितना होगा एटसेट्रा एटसेट्रा ग्लोबल फ्यूल प्राइस अप क्यों हो रहा है बिकॉज प्रोडक्शन इन्होंने रैंप अप किए नहीं कोविड नाइनटीन के कारण डिमांड बढ़ गई जब कोविड नाइनटीन से रिकवर हो रहा है और डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन हुआ नहीं है तो मिसमैच के कारण प्राइस बढ़ गई इन्फ्लेशन आ गया यहाँ पे भी ग्लोबल फ्यूल प्राइसेज आर अप इंडिया इससे इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज हम प्राइमरली रिलाई करते हैं फ्यूल इम्पोर्ट पे चिप का शॉर्टेज भी है अगेन सप्लाई साइड बॉटल नेक है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को डिफिकल्टी आ रही है ये न्यू व्हीकल है टाटा का द नेम इज पंच फ्यूअर प्लान नाउ फेसिंग कोल्ड स्टॉक्स नॉर्मल सी आ रही है पावर शॉर्टेज में आईफोन फोन टू दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जो फोक्सकॉन है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफेक्चरर है ये इक्विपमेंट्स बनाता है जैसे एप्पल आईफोन बनाता है वो खुद तोड़ी बनाता है वो आउटसोर्स करता है इस फॉक्सकॉन को डिजाइन एट कैलिफोर्निया होता है बाकी बनाया इसने है फॉक्सकॉन वगैरह डिफरेंट डिफरेंट ऑल ओवर वर्ल्ड असेंबली होती है प्रोडक्शन होता है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओला एग्जीक्यूटिव पोटेंशियल आईपीओ, पी सो ये तो इंडियन एक्सप्रेस मीनवाइल सोलर एनर्जी का जो टॉपिक पड़ा तो उसमें एक सवाल देखना था इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इंडिया में सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है टॉपिक ऑफ कैंसर देर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट जैसे तमिलनाडु ने पॉलिसी अपनाई तमिलनाडु एम्फेसाइज कर रहे हैं आगे बढ़ रहे रीजनल वेरिएशन है इसके डेवलपमेंट में सोलर एनर्जी ट्राई टू एलेबोरेट ये सवाल भी 2020 हजार जीएस वन का है सोलर एनर्जी देन ये हमने देखा रेड टेपिज्म एआई सेल इकोनॉमिक ऑपरेशंस चिप शॉर्टेज एथिक्स के कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे एक कीवर्ड होता है ऑल्ट्रोइज ऐसे कुछ सौ दो सौ की वर्ड हम देखने वाले हैं ऑल्ट्रोइज ऑल्ट्रोइज्म मतलब क्या होता है परोपकार इज वी बिहेव सेल्फलेसली एंड वैल्यू द वेलफेयर ऑफ अदर बिना किसी डिमांड बिना किसी कंडीशन के अगर हम सेल्फलेसली ऐसे काम कर रहे हैं तो वो होगा ऑल्ट्रोजम एंड वैल्यू द वेलफेयर ऑफ अदर दूसरों के वेलफेयर में तो एज अ सिविल सर्वेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ये क्वालिटी भी आप में होनी चाहिए सेकेंड जो होता है वो होता है डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब क्या है कि आपको ये काम करना चाहिए बट वो काम कोई भी नहीं कर रहा है तो आप भी वो नहीं करोगे डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकर्स वेन पीपल फेल टू टेक एक्शन बिकॉज देट कहीं आपको रोड पे ऐसा कुछ कचरा पड़ा हुआ है कोई उसको नहीं देख रहा है तो आप भी नहीं देखोगे ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सब गलत कर रहे हैं तो आप भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिनाई कर रहे हो बिकॉज दे एज्यूम दैट सिंस अदर्स नियर बाय आर नॉट एक्शन एक्टिंग एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट सो ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी

उस उसपे कंडीशनिंग हो गया है किसी सब्जेक्ट में तो आप उस डायरेक्शन में ही सोचने लग जाते हो उसका इंटरप्रिटेशन आप डिफरेंट लेते हो एक्सपेक्टेशन एंड हाइपोथेसिस तो इसको कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं तो आज कौन से तीन की वर्ड्स देखे कन्फर्मेशन बायस डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्ट्रोजम जनरल मीनिंग इनका पता होना चाहिए बस फिर एग्जाम्पल बना के आप इसको पेपर में लिख दो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन जनरल स्टडीज पेपर फोर सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट एथिक्स पॉलिसी चाइना ग्लोबल प्लेयर बने हम और ये था क्वाड सेनल माइग्रेशन प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है पहले कोविड और अब माइग्रेंट वर्कर्स सो दिस इज ट्वेंटी दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी से